इस इमेज को देखिए, इसमें आपको क्या दिखता है? एक खूंखार जानवर या दो भालू या कुछ और? अलग अलग कलर के इन 10 इंक ब्लॉट कार्डों के द्वारा पर्सनालिटी टेस्ट करने का एक फेमस मेथड है, जिसे हम रोर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट कहते हैं। यह एक प्रकार का प्रोजेक्टिव टेस्ट यानी प्रक्षेपण विधि है। प्रोजेक्टिव टेस्ट मीन्स अपनी बातों, विचारों और भावनाओं आदि को स्वयं बताकर किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से अभिव्यक्त करना। इस प्रोजेक्टिव टेस्ट के माध्यम से किसी व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड में छुपे बहुत से रहस्यों को जाना जा सकता है। इसमें न केवल व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में मानसिक रोगियों के मानसिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। ये इंक ब्लॉट रियली कैसे काम करता है और ये क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इसका निर्माण 1921 में एक स्विस मनोचिकित्सक हरमन रोर्शा ने किया था। इस टेस्ट में 10 कार्ड्स होते हैं, जिन पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। 5 कार्ड्स ब्लैक, 2 कार्ड्स ब्लैक एंड रेड एंड 3 कार्ड्स मल्टी कलर्ड एंड व्हाइट बैकग्राउंड होते हैं। इस टेस्ट में प्रत्येक कार्ड एक एक करके उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाना है। वह व्यक्ति कार्ड को जैसे चाहे वैसे घुमा फिरा सकता है और ऐसा करके उसे बताना होता है कि उसे उस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है। इंक ब्लॉट का कोई पार्ट या पूरा पार्ट उसे किस चीज़ के समान दिखाई दे रहा है। पिक्चर नंबर 1, मोथ, बैट, बटरफ्लाई। पिक्चर नंबर 2, ह्यूमंस, डॉग्स, एलिफेंट्स और बियर्स। पिक्चर नंबर 3, 2 ह्यूमंस। पिक्चर नंबर 4, एनिमल हाइड, वेरी लार्ज एनिमल। पिक्चर नंबर 5, बटरफ्लाई और मोथ। पिक्चर नंबर 6, एनिमल हाइड और रग। पिक्चर नंबर 7, ह्यूमन हेड। पिक्चर नंबर 8, फोर लेग्ड एनिमल्स। पिक्चर नंबर 9, ह्यूमन। पिक्चर नंबर 10, रैबिट, क्रैब, लॉबस्टर, स्पाइडर, कैटरपिलर, स्नेक और वॉर्म्स। फिर इन सब कार्ड्स पर परीक्षार्थी द्वारा दिए गए रिस्पांस के आधार पर परीक्षणकर्ता उसके पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। इस टेस्ट के मुख्यतः 3 वेस होते हैं, लोकेशन, डिटर्मिनेंट्स एंड कंटेंट। इनके अलावा प्रत्येक कार्ड के उत्तर में उसे कितना समय लगा, उत्तर देने का ढंग क्या था तथा उस व्यक्ति का व्यवहार आदि चीज़ें भी ऑब्जर्व की जाती हैं। जहाँ तक यदि हम बात करें लोकेशन की, तो इसमें देखा जाता है कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया धब्बे के किसी विशेष भाग के प्रति थी या पूरे धब्बे के प्रति। नंबर 2, डिटर्मिनेंट्स। इसमें परीक्षार्थी के उत्तरों को निर्धारित करने वाले तत्वों जैसे आकार, रंग आदि पर ध्यान दिया जाता है। आकार से परीक्षार्थी की बुद्धि, चिंतन शक्ति, पर्यावरण एवं वास्तविकता से संबंध आदि का ज्ञान होता है। और वहीं परीक्षार्थी के उत्तरों में जब रंग को इंगित किया गया हो, तो यह उसके संवेगों की ओर इंगित करता है, अर्थात उसके इमोशंस की ओर इंडिकेट करता है। नंबर 3, कंटेंट। इसका अर्थ है परीक्षार्थी ने धब्बे में क्या देखा, मनुष्य, पौधे, पशु या अन्य कोई दृश्य। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।